नवे रोजे की सहरी की तैयारी शुरू हो चुकी है। यहाँ पे चाय रेडी हो रही है अपनी। हजरत सहरी का वक्त शुरू होने वाला है। मालूम पता है आज क्या है बता दे। जुम्मा जुम्मा नहीं, माह रमजान का दूसरा जुम्मा है। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज आदम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हो गए, खैर से हो गए। माह रमजान का दूसरा जुमा आप सभी लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो, एंड ऑल्सो आप सभी लोगों को नवा रोज़ा बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। अभी जो सही का वक्त हो रहा है, बाकी लास्ट वॉक अभी जैसे मैंने अपलोड भी लगा दिया। आज रात में बिल्कुल भी नहीं सोया और इसका चेहरा देखकर आपको पता चल चुका होगा। तो सही कर लेता है वेदर फोरकास्ट के अनुमान के मुताबिक आज भी मुंबई में बारिश आने के चांसेस है। सोना वाले से क्या लगता है, बारिश आई आज? वाओ, अभी यहाँ तक मैं देख रहा हूँ बिजली जो कुछ कड़क रही नहीं है। नमाज के बाद देखते क्या सीन है। बाकी इसके आगे क्या हो गया मुझे पता नहीं, तो इसके लिए मैं अपडेट कर लिया यहाँ पे, क्योंकि मेरी बत्ती गुल हो रही है। रात भर में सोया भी नहीं था। तो मिलता हूँ आपको छोटे ट्रांजिशन के बाद। साढ़े 3 बज रहे हैं, अरे बाहर क्यों है अपन? चप्पल कितना टाइम क्यों लगा था पहले के लिए? क्या मालूम, ये तो लेटेस्ट न्यूज है। अरे स्पाइडरमैन अच्छे मैन अच्छे। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। मुबारक हो भाई, जूते से महंगे चप्पल। न्यू चप्पल से एक बात मैं आपको रिमाइंड करवाता चलूँ। माह रमजान का पाक और मुबारक महीना है, जहाँ पे सारी के सारे शैतान जो कैद हो जाते हैं। इंसान के अंदर भी काफी सारे शैतान होते हैं। आपके साथ में कभी इंसिडेंट हुआ गया, फिर आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि मस्जिद में जो चप्पल चोरी हो जाती है। मेरे साथ तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कभी भी नहीं हुआ। मैं नई चप्पल पहन के भी मस्जिद में नई चप्पल आज तक या फिर जूते कुछ भी चोरी हुई नहीं है। लेकिन रिसेंटली मैं देख रहा हूँ काफी लोग नए चप्पल चोरी हो चुके हैं, जो कि उन्होंने ईद के लिए परचेज किए थे। आप सोच सकते हो उसके बाद क्या बीतेगी। चप्पल लेके साथ में लगे आते हैं, आपके बाद रिमाइंड करो चलो। अगर आपको आपको न्यू चप्पल बचाने या फिर आपको न्यू जूते बचाने हैं, तो वहाँ पे जो काउंटर रहते हैं जो चप्पल संभालते हैं, आप उनको आपके न्यू जूते चप्पल जो भी है दे सकते हो संभालने के लिए। वहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो वैसे चप्पल कोनों में रखते हैं, साइड में रखते हैं कहीं ना कहीं उतार के, वो जो है काफी बार चोरी हो जाता है। आपकी चप्पल चोरी होने से आप कैसे बच सकते हो, ये काइंड ऑफ अ ट्रिक है जो कि आप में से काफी लोगों को पता हो, काफी लोगों को पता नहीं होगा। जिनको पता नहीं है अभी आपको पता चल जाएगा। मेरा भाई है ना, मेरे भाई का जो दोस्त है, जब हम तरावी की नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, फिर चाहे 5 के 5 टाइम की नमाज पढ़ने हम जाते थे, वहाँ पे मेरे भाई एंड मेरे दोस्त को ये करते देखा। अपने जो चप्पल का पैर आता है, अपने राइट फुट का चप्पल आप जो है दूसरी जगह पे रखो जाके साइड पे, एंड अपने लेफ्ट फुट का चप्पल आप उसको जाके दूसरी जगह पे रख दो, ताकि चोर की नगर आपके नए चप्पल पड़े तो सिर्फ एक ही पैर दिखाई दे, या उसको दूसरा पैर ढूंढने में काफी ज्यादा टाइम लग जाए जब तक आप वहाँ पे पहुंच जाओगे नमाज पढ़ने के बाद। यहाँ पे आपका न्यू चप्पल या फिर न्यू जूता सेफ हो जाता है। ये डेफिनेटली काफी यूजफुल टिप। अगर आप में से भी किसी को पता नहीं होगा तो नाविगेट नो, एंड जिसको पता है लाइक करो वीडियो को। सारी की सारी सभी जगह पे इंडिया और इंडिया के बाहर सारी की सारी जगह पे चप्पल वगैरह सारे के चोरी होते हैं। ऐसे पाक महीने में भी कुछ लोग जो ऐसे हरकतें कर रहे हैं जो कि मैं डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा गलत है। एनीवेज, जैसे आपको मैंने कहा कि आप किस तरीके से आपके चप्पल बचा सकते हो, इस व्लॉग को आगे भी शेयर करें ताकि और लोग देख सके, उनकी भी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए। उसके आगे व्लॉग कंटिन्यू करते हैं।
देखते देखते माह रमजान के 10 दिन गुजर चुके हैं। आज ही हमें 10वां रोजा और अभी रात के 3:30 बज रहे हैं। अभी थोड़ी देर बाद 10वें रोजे की सहरी स्टार्ट होगी। एक अशर अपना मुकम्मल हो जाएगा, उसके बाद फिर दूसरा अशर शुरू होगा। अल्लाह पाक हम सब के रोजे दुआए तरावी कबूल फरमाए, आमीन। दुनिया में जो कोई बीमार हालत में अल्लाह पाक उनको शिफा अता फरमाए, आमीन। इफ्तारी करने के बाद थोड़ा रेस्ट किया, उसके बाद तरावी का टाइम है। तरावी की नमाज से घर पे लौटते लौटते 10:30-11 बज जाते हैं। उसके बाद फिर घर पर थोड़ा बहुत खाना का बाकी व्लॉग वगैरह एडिट करते करते भी टाइम हो चुका है अपनी सहरी का। तो इस व्लॉग को यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डू चेक आउट रिसेंट व्लॉग्स। अगर आपके व्लॉग्स पसंद आता सब्सक्राइब भी कर लेना। एंड इसके अलावा फॉर मोर अपडेट आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम आईडी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और सिंपली से आप जाके टाइप भी कर सकते हो आइदर मेम ये नाम है जो मेरा यूट्यूब पे है। शुक्रिया इस व्लॉग को यहाँ तक देखने के लिए। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय डे। नेवर गिव अप। मिलता आपको बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एंड पीस आउट। एंड भाई को दुआ में जरूर याद रखना। पीस आउट। मार्च का मंथ भी जो खत्म हो चुका है, जिस दिन आप ये व्लॉग देख रहे हो आज है 1 अप्रैल। मार्च का महीना भी काफी तेजी से गुजर गया, इजंट इट?